ये है मेरा प्रीमियर प्रो का टाइमलाइन जो देख सकते हो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें एडिटिंग करना भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो मैं इतने दिनों से करता आ रहा हूँ। लेकिन रिसेंटली एक नाम वीडियो के कमेंट सेक्शन में एड्स में बहुत ज्यादा सामने आने लगा, वो है फिल्मोरा 13, जिसमें कुछ एक्साइटिंग AI फीचर्स का झलक दिखा। इसीलिए मैं इसे ट्राई करके देखने से खुद को रोक नहीं पाया। इसमें हम कुछ एडवांस्ड इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उसके साथ कुछ न्यू AI फीचर्स को भी देखेंगे जो एक वीडियो मेकिंग प्रोसेस को शायद आसान बना सकता है। फिल्मोरा का यूज करके मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे यूजफुल प्लगइन्स को प्री इंस्टॉल कर दिया गया है। फिल्मोरा 13 के नए अपडेट्स देखने के बाद लगता है इसके डेवलपर्स ने बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि जो फीचर सबसे ज्यादा चाहिए वो बहुत आसानी से अवेलेबल करने की कोशिश किया गया है। जैसे फोटो या वीडियो को क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल टाइमलाइन के बिल्कुल ऊपर ही प्लेस कर दिया गया है, या फिर प्रीव्यू पैनल को जूम इन आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्क्रॉल जो मास्किंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, या वीडियो क्लिप को फ्लिप करने के लिए बस एक बटन। फुटेज को स्टेबिलाइज करने के लिए कोई इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, AI टूल्स के अंदर से स्टेबिलाइजेशन इनेबल करके एनालाइज करना है बस। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए क्रोमा की का ऑप्शन उसके ऊपर ही मिल जाएगा, कोई भी इफेक्ट या लट अप्लाई करने से पहले ही उसका प्रीव्यू देख पाना जो बहुत हेल्पफुल है। टॉकिंग हेड वीडियोस का स्पीड बढ़ाने के बाद पिच को मेंटेन करके रखने के जैसे एडवांस फीचर भी है, जिससे तुम्हारा वॉइस वियर्ड नहीं लगेगा। स्पीड रैंपिंग करने के लिए कुछ प्रीसेट्स पहले से ही है जो बिगिनर्स को बहुत हेल्प करेगा। बेसिक टूल्स के अंदर ऑटो एनहांस का ऑप्शन है जो वीडियो में बेसिक कलर करेक्शन एंड शार्पनेस को बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज करता है। ऑडियो में भी AI स्पीच एनहांसमेंट है जो उतना अच्छा काम नहीं करता। सोच समझ कर मोस्ट यूज्ड फीचर्स को ठीक जगह पर प्लेस किया गया है, जिससे एडिटिंग में बहुत समय बचता है। बस एक चीज, टाइमलाइन में कर्सर को इधर उधर करते करते गलती से ये बार बार आ रहा था, इसीलिए कस्टमाइज करने का प्रोसेस अगर थोड़ा अलग होता तो बेहतर होता। देखो, कट पेस्ट हर एक सॉफ्टवेयर में आजकल आसानी से किया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कुछ यूजफुल इफेक्ट को क्रिएट करने में कितना वक्त लगता है और वो कितना आसानी से हो पाता है। पहले तो इस क्लिप को कंट्रोल सी दबाकर कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी दबाकर। अब इसको एक लेयर के ऊपर रखेंगे, देन टेक्स्ट के अंदर से एक टेक्स्ट इफेक्ट को ड्रैग करेंगे एंड डबल क्लिक करके टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। टेक्स्ट लेयर को सबसे ऊपर प्लेस करके साइज को एडजस्ट कर लेंगे, देन नीचे लाएंगे। ना ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके सीधे चले जाएंगे AI टूल्स के अंदर एंड इनेबल करेंगे AI पोर्ट्रेट को। देन एज थिकनेस एंड एज फेदर को हल्का सा एडजस्ट करने से ही काम बन जाएगा। ऐसा ही सिमिलर रिजल्ट अगर प्रीमियर में चाहिए तो मास्किंग करते करते चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा या फिर आफ्टर इफेक्ट्स का हेल्प लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे बस एक क्लिक में ही हो गया। लिटरली थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा और एज डिटेक्शन भी कमाल का है। ऐसा नहीं है कि जल्दी हो गया तो बेकार है। क्लिप को सिलेक्ट करके सीधे चले जाएंगे AI टूल्स में, इनेबल करेंगे मोशन ट्रैकिंग को। नाउ प्रीव्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करते हुए जूम करेंगे। अब इस बॉक्स को एडजस्ट करके प्लेस करेंगे ऐसे जगह पर जहां पर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। अब जूम आउट करेंगे एंड यहां से ट्रैक करेंगे। नाउ इस ट्रैकिंग डेटा के साथ तुम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा तो टेक्स्ट के अंदर से एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, उसका कलर को चेंज करके साइज को एडजस्ट कर लूंगा। अब लिंक एलिमेंट से सिंपल विगल टाइटल सिलेक्ट कर लूंगा। प्ले करके देखने से पता चलता है ट्रैकिंग बहुत अच्छे से काम किया है और सच में मैं हैरान हो रहा हूँ ये प्रोसेस कितना फास्ट है वो देखकर। इसी ट्रैकिंग को यूज करके तुम और भी बहुत सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ऐप को ओपन करके ही सिलेक्ट कर लेना है ऑटो रीफ्रेम को। नाउ यहाँ से वीडियो को ऐड करके एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो मोशन स्पीड को। देन एनालिसिस पर टैप करेंगे। ये स्क्वायर बहुत अच्छे तरीके से मुझे ट्रैक कर रहा है। अब जहाँ पर तुम्हें लगे कि यहाँ पर ट्रैकिंग ठीक ठाक नहीं है, वहाँ पर तुम पॉज करके एडजस्ट कर सकते हो फ्रेम को। अब मैं बहुत ज्यादा मूव कर रहा था फ्रेम के अंदर, इतना एक्सट्रीम किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। डन। अब एक्सपोर्ट पर क्लिक करके नाम डालकर एक्सपोर्ट कर लेंगे। फिल्मोरा का एडवांस एनिमेशन कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए मैं रिक्रिएट करके दिखाऊंगा एक मोशन ग्राफिक्स को जो मैंने पिछले वीडियो में यूज किया था। शुरू करेंगे स्टॉक मीडिया से एक ब्लैक बैकग्राउंड को लेकर। इसको एक्सपेंड करके चले जाएंगे मीडिया के अंदर, देन स्क्रीनशॉट को टाइमलाइन में ड्रैग करेंगे एंड यहां से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करके रेशियो को कस्टम सेट करेंगे। देन इस बॉक्स को एडजस्ट करके अप्लाई कर देंगे। नाउ साइज को एडजस्ट करके मिडिल में प्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट को। अब प्लेट को थोड़ा सा पीछे ले जाकर स्केल एंड पोजिशन में की फ्रेम्स एड करेंगे और यहाँ से की फ्रेम पैनल को ओपन करेंगे जो की नया फीचर है। अब प्लेट को आगे ले जाकर ऑब्जेक्ट का पोजिशन को एडजस्ट करेंगे एंड स्केल को भी छोटा कर देंगे। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। एनिमेशन बहुत स्लो है तो यहाँ से ही कीफ्रेम्स का डिस्टेंस को कम करेंगे। नाउ मोशन को और स्मूथ करने के लिए फर्स्ट कीफ्रेम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक ईज आउट,
और इनको ईज इन। इससे एनिमेशन बहुत हद तक स्मूथ हो चुका है। स्पीड मुझे ठीक नहीं लग रहा तो कीफ्रेम्स का डिस्टेंस को एडजस्ट करके स्पीड को ठीक कर लेता हूँ। अब लास्ट कीफ्रेम में आकर ऑब्जेक्ट को फ्रेम से बाहर निकाल दूंगा। नाउ डायनामिक मोशन ऐड करने के लिए इस कीफ्रेम को सिलेक्ट करके ग्राफ को एडजस्ट करना होगा। इस कर्व को जितना बढ़ाओगे मोशन भी उतना ही बढ़ेगा। ये ठीक लग रहा है। अब ओपेसिटी में एक कीफ्रेम ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा आगे जाकर कम कर देंगे ओपेसिटी को। नाउ दोनों कीफ्रेम्स को ही सिलेक्ट करके राइट क्लिक देन कंटिन्यूअस कर्व। ओपेसिटी को धीरे धीरे कम करने से ऑब्जेक्ट फ्रेम से बाहर निकलने के समय दूर जा रहा है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा। अब इस लेयर को छोटा करेंगे एंड ट्रांजिशन के अंदर से वार्प जूम इफेक्ट को इस क्लिप के शुरू में यूज करेंगे। प्ले करके देखने से थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि एनिमेशन के ऊपर ही इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। सो लेयर को थोड़ा एक्सटेंड करके इफेक्ट को छोटा कर देंगे। परफेक्ट। अब इफेक्ट के अंदर जाकर ब्लर सर्च करेंगे एंड स्क्वायर ब्लर इफेक्ट को ऐड करेंगे। नाउ ओपेसिटी में एक कीफ्रेम ऐड करके ओपेसिटी जीरो कर देंगे एंड थोड़ा आगे जाकर बढ़ा देंगे। अब एक नॉइज बैकग्राउंड को ऐड करके उसका कुछ पार्ट सिलेक्ट करके टाइमलाइन में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ब्लर इफेक्ट इस नॉइज बैकग्राउंड के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक देन क्रिएट कंपाउंड क्लिप एक नाम डालकर ओके। नाउ देख सकते हो ब्लर इफेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर से हट चुका है। अब इस सेम टेक्निक को मल्टीपल लेयर के ऊपर यूज करके एक के बाद एक प्लेस करने के बाद फाइनल आउटपुट ऐसा बना। एआई से फोटो जनरेट करने के लिए भी कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। स्टॉक मीडिया से एआई इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, देन स्टार्ट पर क्लिक करना है एंड एक इमेज स्टाइल को चूज करके जैसा इमेज जनरेट करना चाहते हो वैसा प्रॉम्प्ट डालना होगा। मैं एक रैंडम सा चीज लिख देता हूँ, जैसे विंटेज कैमरा अंडर वाटर। नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करेंगे। 1 मिनट 56 सेकंड वेट करने के बाद ये सामने आया, जो काफी अच्छा है। यहां से डाउनलोड कर लेंगे फोटो को। अब तुम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या सिर्फ आइडिया डालकर ही पूरा का पूरा वीडियो बीरोल एंड वॉइस ओवर के साथ जनरेट कर सकते हो। ट्राई करके देखते हैं। ऐप को ओपन करते ही देखने को मिल जाएगा AI टेक्स्ट टू वीडियो, उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर तुम अपना स्क्रिप्ट डालकर वीडियो जनरेट कर सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ से सिर्फ टॉपिक डालकर AI की मदद से पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही जनरेट कर सकते हो। अब किस टाइप का टॉपिक तुम डालना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। इन्फॉर्मेटिव, ओपिनियन, प्रोडक्ट कवरेज एटसेट्रा। सो प्रोडक्ट कवरेज सिलेक्ट करके बस एक टॉपिक डाल देता हूँ, लाइटिंग टेक्निक। ज्यादा डिटेल्स ना डालकर जनरेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक लाइटिंग टेक्निक के ऊपर एक पूरा स्क्रिप्ट रेडी होकर आ जाएगा, जिसको तुम कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ से एक वॉइस को सिलेक्ट करके एंड एस्पेक्ट रेशियो चूज करके टेक्स्ट टू वीडियो पर क्लिक करेंगे। देन 1 मिनट 40 सेकंड वेट करने के बाद वीडियो रेडी होकर आ गया। लाइटिंग टेक्निक। लाइटिंग टेक्निक इज द आर्ट ऑफ यूजिंग एंड मैनिपुलेटिंग लाइट टू क्रिएट डिफरेंट मूड्स एंड इफेक्ट्स इन वेरियस सेटिंग्स। It is a fundamental skill in photography. जिसको देखकर पता चलता है ये अभी भी यूजेबल नहीं है। ये बस टेक्स्ट के साथ मिलता जुलता स्टॉक फुटेजेस को एक के बाद एक लगा दिया है, वॉइस ओवर और एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जिसका अभी कोई सेंस नहीं बनता। शायद बाद में ये इम्प्रूव हो सकता है। म्यूजिक जनरेट करने के लिए सीधे चले जाना है ऑडियो पर। वहां से सिलेक्ट करना है AI म्यूजिक को, देन स्टार्ट पर क्लिक करके मूड को सिलेक्ट करना है, तुम्हारा नहीं ऑडियो का। मैं सस्पेंस सिलेक्ट करूंगा। देन थीम चूज करना होगा, एड्स करके देखते हैं। फाइनली जॉनरा सिलेक्ट करना होगा, हिप हॉप को सिलेक्ट करेंगे। टेम्पो को हाई कर देते हैं एंड म्यूजिक ड्यूरेशन को 1 मिनट कर देंगे। अब एक ही बार में तुम कितने म्यूजिक जनरेट करना चाहते हो वो तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। 3 ही रहने देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। 10 सेकंड वेट करने के बाद 3 म्यूजिक जनरेट होकर आ गया। अब इनको प्ले करके देखते हैं क्वालिटी कैसा है। डिफरेंशिएट करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं कि ये AI जनरेटेड है या फिर किसी ने क्रिएट किया है। कमाल का म्यूजिक है। इसके अलावा AI टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग है, जो अभी हिंदी में काम नहीं करता, एंड साइलेंस डिटेक्शन है, जो ऑडियो में से साइलेंट पार्ट्स को एक क्लिक में ही निकाल देगा। एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच करना उतना आसान नहीं रहता है, लेकिन मेरे लिए चीजों को अडॉप्ट करना आसान रहा है इजी इंटरफेस की वजह से, और ये लो एंड पीसी में भी अच्छा काम करेगा। सो आई रिस्पेक्ट ऑल द फीचर्स इट हैज एंड उम्मीद करूंगा और भी कुछ अच्छे फीचर्स ये फ्यूचर में ऐड करेंगे, जैसे रियल टाइम मोशन ब्लर, स्टेबिलाइजेशन में कुछ एडवांस ऑप्शंस एंड मेनी मोर। और उम्मीद करूंगा तुम लोग भी हेल्प करोगे 50K तक जल्दी पहुंचने में। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।